ऐसा हो सकता है कि कोई से भी ब्लॉग में गिमू के बिना कोई ब्लॉग पूरा हो सकता है। गिमू को पता चला हम लोग छत आलू आलू बाबू किसका बाबू मम्मी रेंदो से वो दोस्तों ये मम्मी के सारे दोस्त घूमने वाले आज ठंड के मौसम में एंजॉय दोस्तों हमारे पकोड़े और चाय सब रेडी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा। तो दोस्तों आज देहरादून का मौसम इतना अच्छा हो रखा है, आज पूरा बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश लगी हुई है। तो हमने सोचा क्यों ना बारिश के मौसम में आज पकोड़े बनाए जाए। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं पकोड़े, तो चलो आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। तो दोस्तों अभी हमारी ये चिप्स भी तल चुके हैं और पकोड़े भी बन गए हैं। टन टना तो दोस्तों हमारे पकोड़े और चाय सब रेडी। तो दोस्तों ये मम्मी के सारे दोस्त घूमने वाले आज ठंड के मौसम में एंजॉय करने आए हुए हैं, तो अभी ये पकोड़े का आनंद ले रहे हैं ठंड के मौसम में। और ये मेरी बेबी उधर पे, चलो अभी हम भी खाते हैं पकोड़े। मम्मी रहने दो से आज
जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज अभी अभी जस्ट बारिश बंद हुई है तो मैं छत पे आ गई हूँ। मौसम आप देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो रहा है आज बहुत ही अच्छा सा, मतलब ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल मौसम। ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। तो अभी क्या है कि गाड़ी ले आई बेबी की, तो रिया गाड़ी लेके आ गई है और मम्मी के दोस्त, मम्मी के जो दादी और मतलब वो लोग आए हुए थे, वो लोग घूमने चले गए और रिया बेबी की गाड़ी लेके आ गई है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर वो काफ़ी पहले चले गए, तो अभी बारिश बंद होने का हम इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश कब बंद होगी, हम कब छत में जाएंगे। और अभी क्या है कि मैं और रिया यहाँ पर बैठ के दोबारा से चाय की चुस्कियाँ लेंगे सर्दी में, जो बहुत मज़ा आता है ना इसके लिए। और चलो पहले बेबी को बेबी की गाड़ी में रख दो, आरू को आरू की गाड़ी में रख दे। आरू जाओ अपनी गाड़ी में बैठो बाबू। और आरू अपनी गाड़ी में बैठने वाली है, फिर उसके बाद हम बैठ के चाय पियेंगे। रिया तुम चाय लेके आई अपनी? रिया शायद अपनी चाय लेके नहीं आई। दोस्तों अभी अभी हम जस्ट छत में, आप देख ही सकते हो कहीं पानी सूख गया है बारिश का, कहीं नहीं। और मैं और रिया कुछ पकौड़े उनके साथ हमने खाए, चाय भी पी, और कुछ जो बचे हुए थे मैं और रिया उसके बाद अभी छत पे लेके आ गए हैं चाय के साथ, मज़े ले रहे हैं ठंड के भी। और यहाँ पर हमारी बेबी ये भी हमारे साथ बैठ के कंपनी दे रही है, मतलब खाएगी तो अभी नहीं लेकिन कंपनी हमारे साथ पूरा दे रही है, है ना आरू? आरू बाबू, आरू यहाँ तो देखो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई से भी ब्लॉग में गिमू के बिना कोई ब्लॉग पूरा हो सकता है। गिमू को पता चला हम लोग छत पे आ गए हैं, तो गिमू भी दौड़ दौड़ के आई और हमारे साथ बैठ गई है यहाँ पे। और रिया जो कि उसे भाई ये खाना तो पसंद नहीं है लेकिन ऐसी चीज़ें ही उसे पसंद होती हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं, मैं ऑयली ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो ठीक है उनके साथ जितना खाया था खाया था। बस चाय पसंद है मुझे ठंड के मौसम, मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे चाय कितनी भी दे दे कोई ठंड के मौसम में, चाय मेरी फेवरेट है। तो दोस्तों ये है रिया, रिया अपनी बेबी को घुमा रही है, आरू को घुमा रही है, हमारी आरू बड़ी हैप्पी हो रही है। दोस्तों अभी हमने मतलब छत में चाय पी, उसके बाद रिया एक्टिवा चलाने के लिए आ चुकी है। अब रिया एक्टिवा चला रही है और मैं और बेबी
रश्मि, हम तीनों यहाँ पर वॉक भी कर रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो रिया आ चुकी है। अब रिया बिल्कुल फास्ट हो चुकी है गाड़ी चलाने में, मतलब 5 मिनट में रिया ने एक्टिवा सीखी है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रिया ने अपना। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना सही चलाने लग गई है। अब मुझे भी बैठ के चलाती है, अभी मैं अपने आप को भी दिखाती हूँ आपके साथ कैसे, मतलब अब वो मुझे भी बैठ के लेके जा रही है अपने साथ। तो अभी मैं रिया के साथ बैठ रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि रिया कितना अच्छा चलाने लग गई है, साथ में भी बैठा, मतलब मुझे भी बैठा कर। तो रिया ये खुले हुए है ना, और अभी रश्मि बेबी को लेके जा रही है। तो चलो दोस्तों, चलो रिया मैं बैठ गई हूँ। और इसकी कोच मैं हूँ। तो दोस्तों अब इसके बाद जो जिसे मैं सिखाने वाली हूँ वो ये है। अभी इसे साइकिल भी नहीं आती है, और अभी इसे भी नहीं आती थी साइकिल, बट मैंने 3 दिन में उसे सिखा दिया, और अब सेकंड नंबर पे इसे सिखाऊंगी। तो दोस्तों चलो फिर उसके साथ भी मैं वीडियो शेयर करूँगी आपसे। चलो फिर दोस्तों, बेबी रोने लगी है, निकलते हैं घर। तो दोस्तों आपको पता है आज के मौसम में आज पकौड़े बनाए, चाय पी, और मम्मी के दोस्त भी लोग भी आए थे, और बहुत ही इंजॉय किया सब लोगों ने मिलके। तो दोस्तों चलो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिएगा, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों फिर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको आने वाले ऑडियो ब्लॉग्स देखते रहें। तो दोस्तों अपना ऐसे ख्याल रखना दोस्तों। चलो फिर दोस्तों, जैसे प्यार आप मुझे दे रहे हो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।